स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल मन मिक्स में। और आज हम जहाँ पे आए हैं वो दिल्ली की सबसे एक नंबर की टॉप की हॉन्टेड प्लेस है, और इसको दिल्ली कैंट बोला जाता है। दिल्ली कैंट का कब्रिस्तान ये साइड में है। सबसे पहले मैं आपको गूगल टाइम दिखा देता हूँ। ये गूगल टाइम देखो, नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा, वो फ्लैश थोड़ा सा उसका कम कर, ब्राइटनेस कम कर रहे हैं। एक सेकेंड आ गया, ले फोन पकड़ ले नाला। तो दोस्तों मैं यहाँ की बताऊँ, यहाँ की हिस्ट्री क्या है। मेन जो है एक लड़की के साथ, फॉरेनर लड़की थी, उसके साथ बहुत ही गलत हुआ था। उस चक्कर में ये अच्छी भली चलती हुई रोड हॉन्टेड कहलाई जाने लगती है। तो सबसे पहले तो मैं कब्रिस्तान के बारे में बताऊं कि जो युद्ध हुए थे अंग्रेज़ों के ज़माने के, उस ज़माने के शहीद जो लोग थे उनको यहाँ पे दफनाया गया था। तो उनके लिए ये युद्ध, ये यहाँ पे लिखा हुआ है युद्ध समाधि क्षेत्र, तो ये वही युद्ध समाधि क्षेत्र है। तो इसके अंदर जाना तो ठीक नहीं रहेगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। आगे एक कट पड़ता है, कट को बहुत ज़्यादा हॉरर माना जाता है। और वो क्यों माना जाता है, क्योंकि एक फॉरेनर लड़की थी और उस फॉरेनर लड़की का कुछ लड़कों ने अपहरण करके, किडनैप करके और आगे जाके रेप कर दिया था। और रेप करने के बाद उन्होंने काफ़ी मारपीट भी करी उस लड़की के साथ। तो मारपीट करने के बाद उनको ऐसा लगा कि वो लड़की मर गई, तो उन्होंने उस लड़की को जंगल के किनारे, मतलब रोड के किनारे थोड़ा जंगल है उसी तरफ, तो वहाँ पर उसको गिर दिया, चले गए। और वो तो लड़की एक्चुअली मरी नहीं थी, वो सिर्फ घायल थी, खून से लथपथ थी। तो काफ़ी रात हो गई थी, लड़की ने हेल्प मांगी कई यहाँ से आने जाने वाले लोगों से, लेकिन कोई भी उसके लिए हेल्प के लिए रुका नहीं। तो अब इस टाइम ऐसे माना जाता है कि यहाँ से जो भी गाड़ियाँ देर रात को जाती है वो लड़की की आत्मा, जो कि इसी रोड पे माना जाता है, गाड़ी से लिफ्ट मांगती है और जो नहीं रुकता है तो उसके साथ साथ भागती है, काफ़ी दूर तक भागती है और उसके बाद गायब हो जाती है। तो हम आगे चल के आपको एक बार आपको दिखा देते हैं क्या है, क्योंकि अभी लग नहीं रहा है, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, 12:30 बजे 12:15 बजे का टाइम है, लेकिन आगे चल के दिखाते हैं हम। तो चलिए दोस्तों आगे एक बार चल के दिखा देते हैं। तो दोस्तों उस जगह पर हम पहुँच चुके हैं, यही वो जगह है, यही वो रोड है। तो हम दिखा दें, वो जो युद्ध समाधि क्षेत्र था वो शहीदों के लिए था और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये शमशान घाट है, ये नॉर्मल लोगों के लिए शमशान घाट है, ये पीछे लिखा हुआ है। जतिन ये जरा दिखा देना पीछे। तो चलिए दोस्तों हम चल के दिखा देते हैं आपको एक बार, आइए। दोस्तों आगे तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन आगे चलते जब तक हम आगे जा रहे हैं तब तक फटाफट से आप जाके वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या वो कुछ दिख रहा है बाद में दिखाऊंगा। रोड आप देख रहे हो दोस्तों कितनी घनी है, एकदम अंधेरा है। ये लाइटें दोस्तों अभी लगी हैं, पहले बिल्कुल भी लाइटें नहीं थी। और ये ग्रिल देख रहे हो, ये ग्रिल भी बिल्कुल नहीं थी पहले। यार पेड़ वेड़ की तरफ देखो ना, एकदम डर सा लगता है अंधेरे में, फ्लैश ना जलाऊं फोकस तो एकदम अंधेरा सा लगता है। आवाज आ रही है ना, कुछ आ रही है हल्की फुल्की, ब्रेक की है शायद। अच्छा आ रही है यार, ब्रेक की है।
फिर इस साइड से आ रही है। अच्छा पन्नी लड अब नहीं आ रही, अब नहीं आ रही। नहीं पहले आई थी ना। हाँ हल्के फुल्के आई थी। गाड़ी चल के देखते हैं। रोड भी टूटा हुआ है और ये एकदम घना जंगल है। यहाँ से अगर अंदर कोई जाए तो बिल्कुल कुछ नहीं पता लगेगा। अभी तक दोस्तों हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा। वहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ आई थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखा। जैसे कुछ लगा आवाज़ हल्की फुल्की आई थी यार, लेकिन समझ में नहीं आई कौन सी आवाज़। हम लास्ट तक चल के दिखाएंगे आपको। है कुछ नहीं, कुछ नहीं है। डेढ़ से ऊपर हो गया। डेढ़ से ऊपर हो गया टाइम, काफी टाइम हो गया यार। जंगल है। हाँ जंगल ही जंगल है यहाँ पे। अगर कोई कोई भी अकेला आएगा या किसी से नॉर्मल बंदा भी लिफ्ट मांगेगा ना, तो वो बिल्कुल नहीं रुकेगा यहाँ पे। और सफेद कपड़ों में अगर कोई लिफ्ट मांगेगा तो भाई साहब कोई रेस से पैर ही नहीं हटाएगा, पटके चार हो जाएगी। थोड़ी और आगे चल के देखते हैं, फटाफट से चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, अभी कुछ दिखा उठा है नहीं यहाँ हमें। हाँ। लेकिन आवाजें आ रही है इधर उधर से, आवाजें काफी आ रही है भाई। वहाँ पे कुछ सफेद सफेद लग रहा है मेरे को, ये पेड़ के नीचे ये जा रही है उस जा रही यार कुछ है ते वो सफेद भाई रे अल्लाह दिखी भाग ले यार भाई यार यार ये वो तो अबे चलना भागना यहाँ से आई रही इस तरफ भाग ले भाई। दोस्तों बहुत 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 ज़्यादा डर चुके हैं हम। मैं तो डर चुका हूँ भाई। जतिन तुम्हें डर लग रहा है? भाई डर लग रहा है, देखने का कैमरा हिल रहा है, हाथ कहाँ पर है। बिल्कुल जो भी हमने देखा मतलब बयान नहीं कर सकते क्या था, बिल्कुल पसीना आ गया मुंह पे, दिख रहा होगा। तो एक बार तो सुअर है शायद। हाँ सबसे पहले तो मैं गूगल टाइम आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। मैं 12:15 के आसपास आया था शायद, 12:15 13:00 बजे। Google Live Time. The time is 1:49 AM. ये बोल के भी दिखा दिया इसने, ये दिखा दे। बिल्कुल साफ है, क्लियर है। क्लियर है ना? बिल्कुल। तो मैं मेन चीज मैं दिखा दूँ, ये मेरी स्कूटर की जरा दिखाओ। लेकिन क्या दिखाओ, कितना ठंडा मौसम है, फोग पड़ी हुई है। ये दिखाया, ये उंगली आ रही है ना। इतना ठंडा मौसम है, धुंध पड़ी हुई है, लेकिन डर के मारे मुझे पसीना आ रहा है। देख लो दिख रहा पसीना, दिख रहा है भाई, आ रहा पसीना। पता नहीं वीडियो में आया है कि नहीं आया, लेकिन जो भी दिखा है ना भाई साहब बहुत हॉन्टेड है। और मैं इतना डर लग रहा था यार एकदम से, मतलब क्या बताऊं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों को कि यहाँ पे बिल्कुल भी मत आना, भूल के भी नहीं आना, क्योंकि ये जगह रियल में हॉन्टेड है। अजीब अजीब सी आवाजें हमें यहाँ पे अभी भी आ रही हैं। तो दोस्तों अगर हम ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ पे रुक रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। तो दोस्तों सही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। दूसरी बात है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। और आप अगर ऐसी ही वीडियो और जगह की चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना हमें कि आप कहाँ कहाँ की वीडियो चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।